नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुड़हल। गुड़हल को जावा कुसुम व गुड़हल व अन्य नामों से भी जाना जाता है। गुड़हल का फूल जितना सुंदर व लुभावना होता है, उतने ही इसमें गुण भी विद्यमान होते हैं। गुड़हल को हम औषधि के रूप में तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन इसका प्रयोग पूजा, चाय के स्वाद को बढ़ाने और सौंदर्य में भी किया जाता है। गुड़हल के फूल को कई अलग अलग रंगों के होते हैं। औषधि में गुड़हल के फूलों का विशेषतः प्रयोग किया जाता है। गुड़हल मध्य आकार का झाड़ी नुमा पेड़ होता है। इसे घर, बाग बगीचों की शोभा बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते अड़ूसे के पत्ते की तरह होते हैं। यह बहुत ही लाभकारी होने के साथ साथ दिखने में भी सुंदर होता है। आइए इस सुंदर और गुणकारी पुष्प की जानकारी सुन लेते हैं। आइए इसके फायदे क्या क्या हैं जान लेते हैं। टिप्स नंबर 1, गुड़हल शीतल मधुर होने के साथ साथ बालों व शरीर की जलन, मूत्र नली के रोग, वीर्य की कमजोरी को दूर करता है। टिप्स नंबर 2, गुड़हल के फूल को गोले के तेल में पकाकर उसकी राख को छानकर अलग कर दें। फिर उस तेल का नियमित सेवन करने से बालों में लगाने से गंजापन दूर होता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है। टिप्स नंबर 3, गुड़हल को सुखाकर उसका चूर्ण कर लें। उस चूर्ण में समान भाग में शक्कर मिलाकर एक चम्मच मिश्रण को 40 दिन तक नियमित रूप से सेवन करने से मनुष्य की काम शक्ति बढ़ती है। टिप्स नंबर 4, गुड़हल बवासीर में भी लाभदायक होता है। टिप्स नंबर 5, गुड़हल की चाय पीने से वीर्य की कमजोरी दूर होती है व स्त्रियों की बीमारी में भी लाभ होता है, जैसे कि उनकी योनि में खुजली होना या उनका मूत्र स्त्राव ना रुकना इत्यादि। टिप्स नंबर 6, गुड़हल के फूलों को घी में भूनकर खिलाने से अत्यधिक रजस्त्राव बंद हो जाता है और रुधिर विकार घटता है। टिप्स नंबर 7, पानी में गुड़हल को उबाल लें, उसका काढ़ा बनाकर तैयार कर लें। इस काढ़े का सेवन करने से गर्मी व सर्दी से होने वाले दिल की धड़कन जो बढ़ने लगती है, उसमें आराम मिलता है। टिप्स नंबर 8, इसका गुलकंद या शरबत बनाकर पीने से दिल की गर्मी और खून की खराबी दूर होने लगती है। टिप्स नंबर 9, इसका अर्क का सेवन करने से खून साफ हो जाता है। टिप्स नंबर 10, गुड़हल के पत्तों को भूनकर उनका एक काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़े का नियमित सेवन करने से हमारी स्मरण शक्ति तो तेज होती है, काम शक्ति भी बढ़ती है और इसके हमारे शरीर पर बहुत फायदे होते हैं। धन्यवाद।